अंकिता हत्याकांड के बाद पहाड़ की शांत वादियों में उबाल है और लोगों में भारी आक्रोश। हत्याकांड के विरोध में जगह जगह व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। महिलाएं और युवा सड़कों पर उतरकर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देवभूमि की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बुधवार को तमाम संगठनों ने एक मंच पर आकर विशाल रैली निकाली। वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए रैली एमबीपीजी डिग्री कॉलेज से लेकर डीएम कैंप कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारी ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। धरने पर बैठे युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अमला मौजूद रहा और किसी भी प्रकार के बवाल से निपटने के लिए मुस्तैद नजर आया। वहीं युवाओं ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की और इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाने और सीबीआई से मामले की जांच करवाने की मांग की। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल जिले में एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अंकिता भंडारी जॉब करती थी। उसका शव चिल्ला नहर में मिला था। इस मामले में पुलिस तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। द्वारा एक ज्ञापन यहाँ प्रस्तुत किया गया है जिलाधिकारी के माध्यम से, इसको हम आज ही सांसद को भेज रहे हैं और उच्च स्तर पर जो भी निर्णय इस पे लिया जाएगा। सीबीआई जांच की मांग की रही है। जी हाँ, इनके ज्ञापन में सीबीआई जांच की मांग की बात भी कही गई है।